Berberi. मामला राजस्थान के जालौर जिले की मांडवला ग्राम पंचायत का है। पूरी घटना एक अतिक्रमी की दबंगई की है। इसमें अतिक्रमण रोकने गई एक महिला सरपंच और वार्ड पंच की जान पर बनाई। अतिक्रमी ने सरपंच की गाड़ी पर जेसीबी चढ़ा दी। वीडियो राजस्थान के जालौर जिले की मांडवला ग्राम पंचायत का है। पूरी घटना एक अतिक्रमी की दबंगई की है। इसमें अतिक्रमण रोकने गई एक महिला सरपंच और वार्ड पंच की जान पर बनाई। अतिक्रमी ने सरपंच की गाड़ी पर ही जेसीबी चढ़ा दी। यही नहीं, वह बल्कि खुद सरपंच को जेसीबी से लटकाकर हवा में झुला दिया। पूरे वाक्य का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पंचायत में आवलोज मार्ग पर एक भूखंड है, जिस पर अतिक्रमण हो रखा था। 22 अगस्त 2019 को ग्राम पंचायत मांडवला द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया था, लेकिन दो दिन पूर्व ही कथित अतिक्रमी वाघा राम ने फिर से यहां पर निर्माण कार्य शुरू करवा लिया था। सरपंच रेखा देवी ने विरोध जताया। इस मामले में बुधवार को जालौर थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया था, जिसमें बताया गया था कि वाघा राम द्वारा मनमर्जी से फिर से इस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है तथा पंचायत का वार्ड भी यहाँ से तोड़ दिया गया है। पुलिस ने यह प्रकरण दर्ज कर लिया। गुरुवार सवेरे सरपंच रेखा देवी, वार्ड पंच हरकी देवी, अन्य लोगों के साथ मांडवला में आवलोज रोड पर अतिक्रमण वाली जगह पहुंचे और अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही शुरू की। सरपंच का आरोप है कि जब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही थी, तब वाघा राम भी जेसीबी लेकर वहां पहुंच गया। वह विरोध जताने लगा। इस दौरान उसने सरपंच पर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया। उसने सरपंच की गाड़ी को जेसीबी से टक्कर मार दी। तब गाड़ी में वार्ड पंच हरकी देवी मौजूद थी। टक्कर मारने के दौरान सरपंच रेखा चौधरी ने विरोध जताया। इस दौरान वह स्वयं जेसीबी के सामने आ गई और उसे पीछे धकेलने का प्रयास किया। इस दौरान जेसीबी संचालक ने सरपंच पर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास कर दिया। घटनाक्रम में सरपंच जेसीबी के अगले हिस्से को पकड़ा तो जेसीबी संचालक ने उसे हिस्से को ऊपर उठा दिया। उसके साथ ही सरपंच भी ऊपर की ओर लटक गई। सरपंच रेखा चौधरी ने बताया कि मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान आरोपी ने उसके ऊपर जेसीबी चढ़ाई और मेरी गाड़ी को भी टक्कर मारी, जिसमें वार्ड पंच हरकी देवी मौजूद थी। पुलिस द्वारा मामले में उचित कार्यवाही नहीं करने के कारण हालात बिगड़ रही हैं। जालौर CI बाग सिंह का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान वाघा राम ने सरपंच की गाड़ी को जेसीबी से टक्कर मारी और सरपंच पर भी जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया है। आरोपी मौके से फरार हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद नहीं मांगी गई थी।